आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आने केमिकल रिएक्शन यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उस पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम जाने के लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं मेरे चैनल पर पहली बार है नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो स्टार्ट करते हैं हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट होता क्या है इसके बारे में जानते हैं तो ये कैटलिस्ट जो सब्सटेंस फीस इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट

और अगर हम विदाउट कैटलिस्ट की बात करें जब हम के सी एल ओ थ्री लेते हैं और एम एन ओ टू के बिना हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो रिएक्शन रेट होता है काफी स्लो होता है लेकिन जैसे हम एम एन ओ टू यूज कर देते हैं मैग्नेज डाईक्साइड वैसे ही के सी एल ओ थ्री जल्दी से डीकम्पोज हो जाता है और ये फॉर्म कर देता है के सी एल ओ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेता है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कैटलिस्ट जो होते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं दूसरी चीज ये है कि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन बाय फार्मिंग टेम्पररी बॉन्ड विथ रिएक्टेंट्स रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स यानी जो कैटलिस्ट होते हैं ये करते क्या है मेनली रूप से अगर देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी रिएक्टेंट हम यूज करते हैं उनके बीच ये क्या करते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं है ना बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है क्योंकि आप देखे होंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस करता है और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है कैटलिस्ट यहां पर आप देख रहे हैं हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच ये वर्सेस ग्राफ हमने प्लाट किया है यहां पर आप देख रहे हैं एक रिएक्टेंट हमने लिया है और रिएक्टेंट क्या कर रहा है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है यहां पर लेकिन अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये वाली जो डार्क वाली रे, रेड लाइन है तो डार्क वाली जो रेड लाइन है अपर साइड में तो ये क्या है पाथ विदाउट कैटलिस्ट ये रेट ऑफ रिएक्शन पाथ है जब कैटलिस्ट हमने यूज नहीं किया है तो उस टाइम हमको एक्टिवेशन एनर्जी हम इतना देना पड़ रहा है इतना ज्यादा डेल्टा इवन है ना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है लेकिन जैसे हम इसके साथ कोई कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो जब कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो उस टाइम ये जो डॉटेड लाइन से रेड लाइन दिखाई गई है कि ये पाथ ऑफ कोऑर्डिनेट में तो ये क्या है पाथ विथ कैटलिस्ट कैटलिस्ट के साथ ये पाथ है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमको क्या करना पड़ रहा है बहुत कम देना पड़ रहा है इसका मतलब कि जब हम कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है डिक्रीज कर देता है यानी एक कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसे डिक्रीज कर देता है कौन कैटलिस्ट और क्या करता है कि एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है इसका मतलब यह है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी किसी भी रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ज्यादा होगा और एक्टिवेशन एनर्जी तभी कम होगी जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे यानी कैटलिस्ट यूज करने पर करता क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ऑलरेडी इंक्रीज कर जाता है यहां पर एक चीज और है कि कैटलिस्ट डज नॉट एल्टर एनर्जी या फे रिएक्शन यानी कोई भी जो रिएक्शन दे रखा है उसकी गिव्स एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं लाता है कैटलिस्ट उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है कैटलिस्ट दूसरी चीज यह है कि इट इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओनली नॉन मतलब क्या है कि ये सिर्फ स्पॉन्टेनियंस्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही करता है टे रिएक्शन को कैटिलाइज नहीं करता है यानी अगर हमारे सामने दे दे ऑप्शन की स्पोटेनियस रिएक्शन है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो किस पर कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ेगा तो ओनली स्पोन्टेस रिएक्शन पर कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बाकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो रेट होगी वो इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उस पर कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है दूसरी चीज यह है कि कैटलिस्ट नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब कोई रिएक्शन होता है देखते हैं उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रेट बराबर हो जाता है तो उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्थापित होता है तो जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, है ना कैटलिस्ट नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट इट हेल्प इन अटेनिंग यानी इसके वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी से स्थापित हो जाता है लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इस तरीके से ये कैटलिस्ट का ये एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है एक केमिकल रिएक्शन में